पल्लवीज किचन। आज हम बनाएंगे आलू करी। इसके लिए हमें चाहिए 3 to 4 बॉइल्ड पोटैटो, जिसको हम कट कर लेंगे, 2 चॉप्ड अनियंस, 4 चॉप्ड टमाटोज, दालचीनी, इलायची, ग्रीन चिली, इसको स्लाइस में कट कर लेंगे, लौंग, 1 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1 टीस्पून जीरा, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून भुना जीरा पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1.5 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, 1.5 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट, ऑयल फॉर कुकिंग। पैन में हम ऑयल गरम कर लेंगे। इसमें जीरा डालेंगे, दालचीनी डालेंगे, इलायची, लौंग और ग्रीन चिली डालेंगे। 30 सेकेंड के लिए कॉफी डालेंगे। इसमें हम आनियन डालेंगे और इसको कॉफी कर लेंगे। अनियन सॉटे हो गया, अब इसमें टमाटोज डालेंगे और इसको भी सॉटे कर लेंगे। टमाटो सॉटे हो गया, अब इसमें हम जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे, हल्दी पाउडर डालेंगे, धनिया पाउडर, सॉल्ट, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, भुना जीरा पाउडर और इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से और 10 सेकेंड्स के लिए सॉटे कर लेंगे। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब इसमें हम आलू डालेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आलू हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसको हम 2 to 3 मिनट्स के लिए कुक होने देंगे। 3 मिनट्स हो गया, आप देख सकते हो इसका कलर कितना अच्छा है, बनाने में भी बहुत इजी है, आप इसको ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत टेस्टी है। सब्जी हमारी रेडी हो गई है, अब इसको हम सर्व करेंगे। ये थी हमारी आज की रेसिपी आलू करी। मेरी और वीडियोस के लिए प्लीज सब्सक्राइब करें, प्लीज लाइक एंड शेयर। बाय।